बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ द मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 8। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 1.6। दिस इज़ द एक्सरसाइज 1.6। टुडे वी विल डू इट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जी स्टूडेंट्स, तो इससे पहले एक्सरसाइज हमने 1.5 की थी, उसके अंदर जो थे ना हमें होल नंबर गिवन थे, लेकिन इधर जो है ना हमें फ्रैक्शनल वैल्यू गिवन है। ठीक, तो इसको जो है ना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है ना सॉल्व करना है, और ये स्क्वायर रूट 49 and 64 का स्क्वायर रूट, ठीक, ये आपको पता है 7 का जो होता है ना, ये 7 × 7 एंड 8 × 8 64। यस, ये इधर आ गया हमारे पास 7 का स्केयर एंड 8 का स्केयर, और ये आपको इसकी वैल्यू अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1/2। ठीक, ये 1/2 जो है ना इसको कैंसिल करेगा, 7 की पावर 2 × 1/2, 8 × 2 × 1/2, इसने इसको कैंसिल किए तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7/8। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, 121 and 625 जो है ना 11 का जो है ना वो स्केयर है, ठीक है, ये 11 का, और 625 को जो है ना वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है ना सॉल्व कर लेंगे। यस, 5, 5 1 times 5 and 1 carry, 5 2 times 10 and 2 and 125, again 5, 5 2 times 10 and 5, 5 and 1, yes, ये हमारे पास आया 4 times 5 आ गया, जी सुन, ये इधर 11 की जो है ना ये इधर स्केयर आ गया, ठीक है, 11 का स्केयर, और ये 5 का स्केयर, अगेन 5 का स्केयर। यस स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जो अंडर रूट की वैल्यू जो है ना ये 1/2 है, तो ये फिर हो गई 5 1/2, इसने इन सब वैल्यूज को जो है ना वो कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास आ गया 11/5 × 5, ठीक, ये 11 and 5 × 5 = 25। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। नाउ इट्स सॉल्व। Now students, part number 3, 196 and 441 under root 196 to इसको हम prime factorization से इनको separate जो है ना वो सॉल्व कर लेंगे, 2 9 times 18 1 and 2 8 times 16, 2 4 and 9 7 and 7, yes स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 196 के 2 × 2 7 and 7। यस, नेक्स्ट 441, ये 3 1 times carry एंड 3 4 times 12, 2 carry, 3 7 times, यस, अगेन 3 4 times 12, 2 carry एंड 3 9 times and 7। यस, ये 3 × 3 and 7 × 7, दिस इज अंडर रूट, ये 2 की पावर 2 and 7 पावर 2, 3 पावर 2 and 7 पावर 2। हमें मालूम है ये अंडर रूट की वैल्यू जो है ना वो 1/2 है, देन 2 1/2 ने इसको कैंसिल आउट करना है, गेट 2 × 7 and 3 × 7, वी गेट 14/21। इधर आपके पास आ गया 14/21, और अगर हम इसको देखें तो ये कैंसिल होते हैं, इधर ही अगर आप देखें ना तो ये जो है ना 7 7 के साथ कैंसिल होता है, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है 2/3।
ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है जी स्टूडेंट्स, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये आ जाता है, लेकिन ये जो है ना इसका आंसर है, ये हमने इसका जो है ना अंडर रूट जो है ना वो फाइंड आउट किया। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज 14/21। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, 36 × 136, इसमें 13 को जो है ना वो ऐड किया एंड वी गेट 36, 13, 9 एंड 4 49, 36 times। ये जो वैल्यू ना ये लिखी हुई है मिक्स नंबर में, ये एक होल नंबर है और ये जो साथ है ना इसके फ्रैक्शनल नंबर है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 13 को जो है ना वो ऐड कर दें। ठीक है, ये मैंने किया, ये मेरे पास आ गया 49 एंड 36। ठीक है, और इसका जो है ना वो हमने जो है ना अंडर रूट जो है ना फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको जो है ना 49 को आपको पता ही है आपके पास आवर है 7 × 7 और 36 का 6 × 6। ठीक है, ये जो है ना इसकी वैल्यूज आ गई और ये 7 की पावर 2 एंड 6 की पावर 2 एंड नाउ वी नो दैट अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 ने जो है ना इसको कैंसिल आउट किया, वी गेट 7/6। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। नाउ इट्स सॉल्व्ड। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, नीचे वाली स्मॉलर होती है ना, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है 6, 1 times 6 and 1 ऐड किया 7। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 7/6। ठीक है, तो फिर आपने जी स्टूडेंट्स ये जो है ना इसको हमने जो है ना मिक्स नंबर में लिख लिया। ठीक है, जब भी ऊपर हमारा डिनोमिनेटर जो है ना वो ग्रेटर होगा तो हम जो है ना उसको मिक्स नंबर में लिखेंगे। ठीक है, इसको आप देख लें, 6, 1 times 6 ऐड किया 7, सेम यही वैल्यू आ रही है। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। ठीक, पार्ट नंबर 5, 6, 7, 6 and 7, 29। अंडर रूट, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 6, 7, 6, 2, 3, 2, 3 times and 8 times 16, again 2, 1, 2, 6 times 12 and 2, 9 times, ये 13, 13 की टेबल में जो है ना ये आता है 136 and 13, 1 times 13। Yes, students. 13 × 13. अब हमारे पास आ गया 729। ये 3 के यस 3, 2 times 6, 1 carry 3, 4 times 12 and 3, अगेन 3, 3, 8 times 24 and 3, 1 times 3, 27। यस स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया हमारे पास वैल्यू जो है ना 3 की जो है ना 6 powers आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 values आ गई। ये इधर आ गई 2 की पावर 2, 13 की पावर 2, ये हमने सबकी पेयरिंग कर ली। उसके बाद जो है ना ये आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू 1/2। ठीक, इस वैल्यू ने इन सबको कैंसिल आउट किया तो ये हमारे पास आ गया 2 × 13 and 3, 3 and 3। यस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26 एंड दिस इज 27। Yes, students, this is the answer of part number 5. Now it's solved. Now, students, part number 6, ये हमें ना mixed number में provided है 12, 24 by 5। इसको जो है ना हमने पहले जो है ना उसमें लिख लेना है proper, improper fraction में। ठीक है, इसको 25 को हमने 12 से multiply करना है। ठीक है, 25 × 12, 2, 5, 10 1 carry 4 and 5
और 5 and 2 0 एंड 1 कैरी 3, ये 300 है। अब इसमें जो है ना 24 को हमने ऐड कर लेना है, तो ये हमारे पास आ गया 324। ठीक, 5 का जो है ना वो हमें अंडरस्टूड है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 324 को जो है ना वो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है ना वो सॉल्व कर लेना है। 1 6 and 2, ये 62 आ गया। 8 टाइम 16 1 3 27 अगेन 3 9 3 1 times 3, ठीक, ये आपके पास आया 2 multiply by 2, 3 multiply by 3, 3 multiply by 3, ठीक है, इसका आपने अंडर रूट लेना है। ठीक, ये वैल्यूज़ को आप स्केयर के साथ राइट डाउन कर लें। ठीक, और अंडर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, 1/2 ने इन सबको कैंसिल किया, आपके पास आ गया 2 multiply by 3 एंड 3 and 5, 3 9 9 2 times 18, 18/5, ठीक, 18/5 आ गया। ये अब आप हमारे पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जब ऊपर बड़ी वैल्यू होती है और नीचे छोटी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसको जो है ना वो आपने जो है ना वो मिक्स नंबर में लिख लेना, 5 3 times 15 and 3, ठीक है, ये इस तरह राइट डाउन होगा, 5 3 times 15, अब इसका रिमाइंडर ऊपर, ठीक है, इसको जो है ना हम ऐसे राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। अब हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं डिवीजन मेथड से। ठीक, 144 एंड 225। यस स्टूडेंट्स, इसका जो है ना वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सेपरेटली जो है ना वो हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड से, ये डिवीजन मेथड में हमने पेयरिंग करनी होती है। ठीक है, पेयर किया, इधर से स्टार्ट करना होता है और जो है ना जो लेफ्ट अगर एक रह गया तो आपने उसको एक ही रहने देना है। ठीक है, 1 1 times 1 और ये नीचे आ गया 4 and 4। ठीक सर, इसको हमने इसमें 1 ऐड किया, ये हमारे पास आ गया 2। अब हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाए उसके साथ। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये फुल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 2 2 times 4 and 4, ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर अंडर रूट। ठीक, ये हमारे पास जो है ना स्क्वायर रूट की जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो वैल्यू आ गई। जी फ्रेंड्स, 12 इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की जो हमारे पास वैल्यू जो है ना 144 की 12 आ गई। इसी तरह ही जो है ना वो अब हमने 225 को जो है ना फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, पेयर किया, ये किया और इस साइड से पेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है, जो लेफ्ट ये एक 1 रह गया। ठीक है, 1 1 times 1। अब इसको ऐड, जो वैल्यू ऊपर लिखी गई है वही इसके अंदर जो है ना उसको ऐड करना है। ठीक है, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वही वैल्यू ऊपर भी राइट डाउन करनी है और इधर भी राइट डाउन करनी है कि सेम वैल्यू से आपने जो है ना मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास इधर आ गया 2। अब इधर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सेपरेटली आप करके भी देख लें। ठीक, 5 5 times 25 2 5 2 times 10 11 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 125। माइनस करें और पूरे पेयर ने जो है ना नीचे आना है। ठीक है, स्केयर की तरह नहीं कि एक वैल्यू ने नीचे आना है, पूरे पेयर ने नीचे आना है। ये आपके पास 125 आया और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। ठीक है, इधर भी 5 ऐड होगा, इधर भी 5 ऐड होगा और ये 15 जो है ना ये हमारा इसका जो है ना स्क्वायर रूट है 225 का। ये इधर आ गया 15 और यही आंसर है हमारा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 का। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 169 and 256। इधर भी आप इसका जो है ना अंडर रूट इसका जो है ना फाइंड आउट कर लें। ठीक है, का अंडर रूट हमने लिया है, पेयर कर लें। ठीक है, ये 1, ये इसमें 1 ऐड किया, ये हमारे पास 2 आ गया। अब इसको किस वैल्यू से जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको जो है ना वो आप 7 से मल्टीप्लाई करके देख लें, क्योंकि देखिए 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है। इधर भी जो है ना वो हमारे पास जो है ना हमारे लास्ट पे 9 है। ठीक है, 2 7 7 7 times 49 9 एंड 4 14 15 16 17 18।
ये हमारे पास आ गया 189। ठीक स्टूडेंट्स, आप जो है ना इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ये बिगर आ गया। ठीक है, 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 2 टाइम्स 6, ये हमारे पास 69 आ गया। ठीक है, ये आप इधर हमारे पास वैल्यू आ गई 69, हमें 69 ही जो थी ना रिक्वायर्ड थी। ठीक है, तो ये फिर इधर आया 3, इधर भी आया 3। ठीक है, ये 69 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास वैल्यू आ गई 13। अब 256 का जो है ना वो हमने अंडर रूट लेना है। ये पेयरिंग की ये लेफ्ट रह गया 1 1 टाइम्स 1 1, और ये पूरा पेयर जो है ना इसके साथ जो है ना ये आया। ठीक, इसको हम इधर ऐड करके वैल्यू लिखी 2। अब इसको 2 से किससे मल्टीप्लाई करें? ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 7 से किया था तो 189 ज़रा बिगर आई थी, अब 6 से करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 6 को 6 6 6 टाइम्स 36 एंड 3 2 12 13 14 15, ये हमारे पास आ गया 156। ठीक, इधर भी 6 ऐड हुआ, इधर भी 6 ऐड हुआ एंड दिस इज 156। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 16 और ये 13/16 ही जो है ना इसका आंसर है पार्ट नंबर 2 का। नाउ इट सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में जो है ना वो हमने इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो है ना हमें मिक्स नंबर में दिया गया है। पहले आप जो है ना इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट डाउन कर लें। ठीक है, 64 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20 एंड 2 5 6 30 एंड 32 एंड इसमें 41 ऐड किया, 1 6 एंड 3। ठीक स्टूडेंट्स, इधर आ गया आपके पास 361/64। अब जो है ना आपने जो है ना इसको जो है ना वो राइट डाउन कर लेना है इम्प्रॉपर इसको, इसका जो है ना वो हमने अब स्केयर रूट लेना है। ठीक है, 8 का जो आपको पता है, 64 का पता है कि 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 8 टाइम्स 64। ठीक, ये इधर आ गया 8। अब 361 का जो है ना वो आपने ले लेना है, 361 को आपने डिवाइड ये कर लें, इसकी पेयरिंग कर लें। ठीक, ये 1 1 टाइम्स ही आएगा। ठीक, इसमें 1 ऐड किया, ये इधर आया 261। ठीक, इसको सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 261। ये पेयर पूरे का पूरा नीचे आएगा। ठीक है, 1 वैल्यू नहीं आएगी, पूरा पेयर आएगा क्योंकि हम इधर स्केयर रूट फाइंड कर रहे हैं। हम पेयरिंग करते इसलिए हैं जो है ना निशान लगाते कि जो है ना वो पूरी वैल्यू जो है ना वो स्केयर, दोनों वैल्यूज जो है ना वो नीचे आए। ठीक है, ये इधर आ गया, इसको ऐड किया 2 2 आ गया। अब 2 को जो है ना वो मल्टीप्लाई करके देख लें। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 8 9 2 18, 19 20 एंड 26, 261। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 9, दिस इज 9, 261। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया 19, ये 19। ये इधर जो है ना ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है ना वो आ गया, इसको जो है ना वो आप मिक्स नंबर में लिखेंगे। ठीक है, 8 2 16 एंड 3। यस स्टूडेंट्स, इसको हमने राइट डाउन किया 8 2 टाइम्स और 3 जो है ना वो हमने इसमें ऐड किया एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज डन ऑल्सो। This exercise is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much, students, for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.